और ये देखो इधर पहाड़ है ये पूरा, और ये मंदिर भी ना पूरा पहाड़ के अंदर है। देखो वैसे एक्चुअल गुफा है, काफी छोटी होती है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। ये रहा देहरादून की पहली चाय पीते हुए। तो गाइस फाइनली रात में पहुंच गया था जहाँ पर मैं रुका हूँ फिलहाल। कुछ ऐसी जगह हैं, बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह हैं, और जैसा कि आपको पता है कि मैं सोलो राइड कर रहा हूँ फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून। तो आज देहरादून पहुँच गया। इससे पहले वाला ब्लॉग आपने देखा होगा दिल्ली से मैंने देहरादून में कैसे पहुँचा हूँ सोलो बाइक राइड पे। चलो गाइस इस जगह को अलविदा बोलने का टाइम आ गया। अभी अपनी बाइक साफ आप कर ली, सब कुछ रेडी कर लिया। अभी जो है मैं आपको देहरादून घुमाता हूँ, देहरादून की कुछ ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपने शायद दूसरी वीडियोस में कमी देखा होगा। तो गाइस मैं अभी जो कि जैसा आपको बताया मैंने सोलो राइड किए स्टार्ट दिल्ली से देहरादून की। आज है अपना दूसरा दिन और अभी मैं हूँ देहरादून में। जस्ट अभी निकला हूँ रूम से, बड़ा वाला बैग रूम पर ही छोड़ दिया है और छोटा वाला बैग एक ले लिया जो पीछे टांगते हैं। अभी चल रहे हैं आसपास की जो बढ़िया बढ़िया जगह जो है वो भी देखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो सर्च किया है वो दिख रहा है, एक आ रहा है आपका टपकेश्वर महाकाल मंदिर। तो अभी वहीं चलते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कैसा रहता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसी ऐसी जगह दिखाने के लिए जो नॉर्मली लोगों ने नहीं दिखाया हो, ठीक है। ऑल दो मेरा पहली बार है, फर्स्ट टाइम है, बट फिर भी मैं अपना यू नो बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगी चीज़ें यार, आप मेरे व्लॉग्स पसंद आएंगे। पसंद आएंगे तो आपको पता ही क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है यार। तो वहाँ चल रहे हैं, पहले मंदिर में दर्शन करते हैं, देहरादून के मंदिर में पहली बार दर्शन करते हुए जाते हैं, उसके बाद फिर आगे घूमेंगे। बस सरदार जी फुल मज़े ले रहे हैं, जीटी चला रहे हैं, जीटी। ये है क्या गेट? गाइस गेट तो यही है, ओके यही गेट है, टपकेश्वर महादेव मंदिर। शायद हम पहुंच गए हैं, ओके इधर पार्किंग है। इन्होंने बोला है पार्किंग फ्री है। मोबाइल निकालते हैं कभी मैं भूल जाऊं। तो गाइस ये सीढ़ियों से नीचे जाना है जो गेट मैंने आपको दिखाया, वहाँ से सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से जाना है नीचे। गाइस शूज उतार दिए, कुछ ऐसा मंदिर है। वाओ बजरंगबली हो रहे मंदिर यारा, बहुत ही सुंदर मंदिर है, काफ़ी नीचे की तरफ है और नीचे वो भी झरना भी है। ओ माय गॉड, सीरियसली अमेजिंग यार, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ सभी भगवानों के जो है वो बने हुए मूर्तियाँ, अमेजिंग यार, आना वर्थ इट। हो यहाँ पर ये मंदिर का गेट है, बहुत सुंदर लग रहा देखने में यार। तो भाई यहाँ से लेफ्ट से पहले अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये देखो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर हरियालों के बीच में, और ये देखो ये झरना आ रहा है इधर। इधर कई सारे लोग नहा भी रहे हैं, बच्चे लोग नहा रहे हैं और फैमिलीज भी आई हुई हैं। जय बजरंगबली, जय महाकाल। और ये देखो बहुत ही सुंदर नज़ारा है, इधर से जाएंगे लेफ्ट में इधर की साइड से होते हुए, फिर उधर भी जाएंगे अपन जो है, वहाँ भी जाएंगे संतोषी माता के इधर। और उधर सामने अगर देखोगे तो उधर ये लिखा हुआ है माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर देहरादून उत्तराखंड। तो वहाँ भी जाएंगे, शायद वो गुफा सी जो मैंने देखी थी फ़ोटोज़ में वो यहाँ पर है, ठीक है। वहाँ से पानी आ रहा झरने से उधर, बहुत ही सुंदर बढ़िया ही मस्त नज़ारा। अभी चलते हैं इधर से अंदर। मेरा जो है यहाँ पे आने का जो मेरा डिसीजन था बहुत बढ़िया रहा। ये देखो बहुत सुंदर जगह है यार, बहुत ही प्यारा मंदिर है। और कोई भी अगर है बंदा जो दिल्ली से देहरादून या कहीं भी करा देहरादून आ रहा तो ये मंदिर ज़रूर आना चाहिए, टपकेश्वर जी का मंदिर है। और ये देखो अभी अपन नीचे भी चलेंगे, नीचे भी देखेंगे। कुछ भी कहो यार, कोई भी मंदिर हो, मंदिर में कदम रखते ठीक है। जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं ये बैठे हमारे शिव जी, हर हर महादेव। मंदिर में अंदर जाते हैं ना बहुत अलग सी खुशी, अलग सी एक अलग सी वाइब्रेशन सी होती है, मतलब अलग ही पॉजिटिविटी मिलती है। देखो ये बहता हुआ जा रहा है, ये देखो ये कहाँ जा रहा है, देखो
ज़्यादा गहरी नहीं है। देखो यहाँ पे और भी लोग नहा रहे धो रहे हैं, बढ़िया है बॉस, बहुत ही सुंदर नज़ारा। अब इधर से अंदर चलते हैं, पहले थोड़ा सा हम खुद दर्शन कर लेते हैं, है ना। अंदर से पहाड़ को काट के बनाया हुआ, पहाड़ के अंदर ये मंदिर है भाई। जो जो ले सकता हूँ मैं वो जगह से ले रहा हूँ, पहाड़ों के अंदर है हम लोग, पहाड़ के अंदर काट के, और पहाड़ के अंदर ये मंदिर है। काट के बनाया क्या बनाया पता नहीं, बट पहाड़ के अंदर है ये मंदिर। बहुत भाई वहाँ से दर्शन करके, अभी भगवानों के दर्शन करके अभी इधर से जीने से नीचे उतरे हैं, उतर के फिर इधर की साइड आए हैं। इधर झरना बह रहा है, इधर से उधर की साइड भी जा सकते हैं, और बस मोबाइल लग गया हाथ से। बहुत ही सुंदर ये, तो आगे क्या बना रखा है, तो पत्थर से वो बना रखा है, ऊँट है कि क्या है पता नहीं, देखता हूँ। ये देखो यार बहता हुआ पानी कितना गजब लग रहा है। बहुत पानी के पास जाते चक्कर से क्यों आ रहे गाइस, बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा मेरा, मेरी लाइफ की पहली सोलो राइड दिल्ली से देहरादून, और मेरा पहला डिसीजन देहरादून में कहां पर जाऊं, जो कि मैं आया हूं यहां पर टपकेश्वर महाकाल मंदिर, जो कि है मेरा वर्थ इट रहा यार। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये डिसीजन लिया और मैं यहां पे आया। देखो ये देखो क्या बना रखा है, ऊँट है, हाँ डबल हम ऊँट बना रखे, डबल हम जो कि अपने को वहाँ मिलते हैं लद्दाख में, कौन सी जगहें मैं मेंशन कर दूँगा, वहाँ पर डबल हम्प वाले ऊँट मिलते हैं ना वहाँ पर, तो बढ़िया है मस्त एकदम। अभी झरना दिखाता हूँ कितना बढ़िया लग रहा देखने में। ये देखो भाई टीका विका भी लगा लिया हमने, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं तो यार अकेले हूँ अभी, और कोई होता साथ में जैसे दोस्त यार होते या फैमिली वगैरह होती ना, तो भैया मैं तो हेलमेट वगैरह रख के मैं तो नहा लेता यहाँ पर, कुछ नहीं तो नहा लेता, कुछ भी मज़ा आता यार, नहा के लेते हम ना डुबकी लगा लेते थोड़ा सा, अच्छा लगता। और ये देखो इधर पहाड़ है ये पूरा, और ये मंदिर भी ना पूरा पहाड़ के अंदर है यार। ऊपर से तुम ये देख रहे हो तो ठीक है तो बनाया हुआ, बट अंदर से मंदिर पहाड़ के अंदर है बॉस, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और पहाड़ों उसके अंदर से ही मंदिर में पानी भी टपक रहा है। ये इतना ही गहरा छोटे, इतना ही गहरा है हर जगह पर, इससे ज़्यादा गहरा तो नहीं है। देखो देख कैसे पार कर रहे हैं भाई, अरे गजब गजब। अकेला हूँ नहीं तो इसके अंदर भी चला जाता, और हाँ अपनी फैमिली को जरूर लाऊंगा यार, बहुत मन है मेरा यहाँ पे अभी दर्शन करके ना, काफ़ी अच्छा लगा। सो इधर तो दर्शन कर लिया हमने, इधर नीचे भी होकर आ गए, अब इधर की साइड जा रहे हैं, इधर उस साइड जा रहे हैं, हाँ पुल बना रखा है, उस पुल से उस साइड जा रहे हैं थोड़ा बजरंग बली के पास, और वहाँ पर भी दर्शन करते हैं। नीचे कुछ ऐसा है, बढ़िया है। श्री माँ भगवती दर्शन प्रवेश द्वार, अभी जा रहे हैं इधर की तरफ, अभी हम थे उस साइड, अब हम आ गए इस साइड। पहले हाथ धो रहे थे क्योंकि हमने थोड़ा सा प्रसाद खाया था, मतलब प्रसाद लिया था। यहाँ पर भी हमारे
गोवर्धन के कृष्ण कन्हैया जी, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उनका एक ये बना रखा है। और एकदम एग्जैक्टली देखो, ये एक्चुअल पहाड़ है और उनके नीचे एकदम ये बहुत ही अच्छी प्रतिमा बनाई हुई है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। अभी आगे चलते हैं। ये हमारे गणपति पप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य, हमारे गणपति पप्पा बैठे हैं। ये देखो भाई, ये देखो, ये एक्चुअल पहाड़ है जो देखो ऐसे बने हुए हैं, मतलब ऐसा बन गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं, वहाँ बजरंग बली, वहाँ पर कृष्ण कन्हैया जी यहाँ पर भी हैं। काफ़ी उनके अलग अलग स्वरूप की मूर्तियाँ यहाँ पर है, कृष्ण भगवान की अलग अलग प्रतिमा की है। यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं यार। यहाँ से गुफा भी है, माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर, यहाँ से अंदर गुफा में जाएंगे दर्शन करके, फिर वहाँ से बाहर निकलेंगे। हाँ बाबा, ये गुफा है गाइस, और उसके एक्चुअल गुफा है। ओ यहाँ तो मुझे दिख नहीं रहा, देखो गाइस ये एक्चुअल गुफा है, माता वैष्णो देवी की गुफा। यहाँ पर लाइट लगा रखी है, कितना से रुकूँगा, यहाँ से निकल पाऊँगा कि नहीं। मैं एक्चुअली गुफा के अंदर हूँ, माता वैष्णो देवी गुफा के अंदर हूँ, एक्चुअली लाइट लगा रखी है यहाँ पे, काफ़ी स्कूटी हो गई है। अब यहाँ से और ऊपर चढ़ रहे हैं, उधर से आए थे, इधर एक गुफा है, उधर अंदर में गए, अब यहाँ से ऊपर। यहाँ पे सभी भगवान हैं, ये देखो सबके अलग अलग अवतार, सभी माताएं, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर भी हैं बजरंगबली जी के 10 अवतार, ये हैं। कमेंट में लिख देना जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय महाकाल। गाइस यहाँ से चलने का टाइम आ गया, काफ़ी देर हो गई मेरे को यहाँ पे, ऑलमोस्ट मेरे को 2 घंटे हो गए यहाँ पर। तो अब यहाँ से निकलते हैं, अभी आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि है